जय जगन्नाथ और जय झारखंड। आज राजभवन में झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रधान सचिव श्री मिश्रा जी एवं विभिन्न शिक्षण संस्थान के उपस्थित सभी शिक्षक विद, सभी छात्र छात्राएं और इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज राजभवन में झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी उपस्थित को मेरा प्रणाम और झारखंडी जोहार। आज का दिन झारखंड वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भारत माता की कोख से एक महान देशभक्त, अदम्य साहसी और देश की आजादी के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस पुनीत अवसर पर हम महान मनीषी को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 2000 में स्थापित झारखंड राज्य उनके आदर्शों से अनुप्राणित होता रहा है और मेरी ओर से झारखंड के लोगों को भी स्थापना दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी दूसरे राज्य का स्थापना दिवस पालन करने की यह सुंदर परंपरा हमारी विविधता में एकता की बंधन को याद दिलाने के साथ साथ हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस कराता है। इन प्रयासों के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारत की भूमि साझी विरासत और साझी शहादत की भूमि अपनी विशिष्ट कला संस्कृति परंपरा ही है, जो वहाँ के लोगों की भाषा, कपड़े, खान पान, रहन सहन से स्पष्ट होता है। विविधताओं भरे इस देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य हमारी राष्ट्रीय पहचान कराती है। अलग अलग प्रदेशों में बंटने के बावजूद हम एक हैं और भारतीय होना हमारा एकमात्र परिचय है। इस साझी विरासत को याद करते हुए आज झारखंड राज्य स्थापना दिवस पालन कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर यह मेरे लिए गर्व और आवेग से भरा पल है। अपने झारखंड राज्य के जन्मदिन पर मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। आज जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, उसके लिए मैं अपने राज्य का आभारी हूं। इसी अर्पण की भूमि, बंधन की भूमि का सेवा करने का अवसर आज जब भी अवसर मिला, मैंने उसे सहर्ष स्वीकारा है और जिम्मेदारी के तौर पर मैंने राज्य के विकास और आम जनों की उन्नति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लोगों की सेवा में खुद को निछावर किया है। अपने राज्य और उसके लोगों की सेवा करते हुए मुझे बेहद आनंद और संतोष मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 5 साल झारखंड में पहला मुख्यमंत्री हूँ जो 5 साल निर्विवाद रूप से झारखंड की जनता की सेवा कर रहा हूँ। और जो अभी हमारे सचिव बता रहे थे टाटा स्टील, तो टाटा स्टील का भी मैं एक मजदूर। 95 से जमशेदपुर का जनप्रतिनिधित्व करते हुए 25 साल विधायक, मंत्री, डिप्टी सीएम और सीएम तक, और अभी उड़ीसा के महामहिम तक, तो ये झारखंड की पवित्र भूमि ने ही ये सौभाग्य मुझे दिया। खनिज संपदाओं से भरे
मेरे राज्य झारखंड के शिल्प स्थापना और व्यापार का बेहद सुनहरा मौका है। शिल्प संस्थानों की बात करते हुए मन में स्वाभाविक तौर पर टाटा स्टील की बात आ जाती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसने राज्य को विश्व के पटल पर स्थापित करने का कार्य किया। जनजातीय और गैर जनजातीय समुदाय के शांतिपूर्ण स्वस्थान राज्य की कला संस्कृति और परंपरा में देखने को मिलती है, जिसका सुंदर चित्र लोगों को अभिभूत करता है। विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए झारखंड एक नई लीग का निर्माण कर रहा है। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि दोनों पड़ोसी राज्य उड़ीसा और झारखंड में तमाम समानताएं हैं और एक साझी परंपरा का निर्वाह करते हैं। दोनों राज्य के लोगों में रहन सहन, खान पान, तीज त्योहारों में समानता देखने को मिलता है, जो दोनों राज्यों के बीच गहरे रिश्ते को दिखाता है। दोनों राज्यों ने शिक्षा स्वास्थ्य मामले में बेहद उन्नति की है। आज खेल जगत में झारखंड का नाम आदर के साथ लिया जाता है। इस मिट्टी के तमाम प्रतिभा संपन्न खिलाड़ियों ने अपनी सफलताओं के द्वारा देश और राज्य का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। यह हर एक झारखंडी वासी को गर्वित होने के साथ साथ खेल के प्रति आग्रह भी पैदा करता है। मुझे महसूस होता है कि जब भी मुझे मेरे राज्य के लिए बहुत कुछ करना है, उड़ीसा के राज्यपाल के तौर पर कार्य करते हुए दोनों राज्यों के बीच अलग अलग स्तर पर सहयोग स्थापित करने का मेरा प्रयास होगा। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल जगत, दोनों में राज्य आपसी सहयोग के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए, यह मेरा कोशिश रहेगी। मैं दिल से चाहता हूं कि दोनों राज्य कला संस्कृति परंपरा के स्तर पर एक दूसरे के और निकट आए। इसे लेकर मैं आज भी प्रयासरत हूँ और आगे भी प्रयासरत करता रहूंगा। अंत में कहना चाहूंगा, यहाँ जो तुम खोज रहे हो, जहां जहां तुम रोज रहे हो, बदल रहा हो यू भाग हमारा, आगे बढ़ रहा झारखंड राज्य हमारा। फिर एक बार आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा और झारखंड स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आइए एक भारत श्रेष्ठ भारत में अपनी भागीदारी निभाते हुए देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय झारखंड, जय उत्कल। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज़ 76।